बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अरसान अली। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश 101 की कंप्लीट प्रिपरेशन हम करेंगे ग्रैंड क्विज के लिए। तो आपको पहले बताता चलूँ कि पहले 22 चैप्टर्स में से नहीं बल्कि चैप्टर में 10 से 22 तक में ही आपका ग्रैंड क्विज दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपके जो पहले 9 चैप्टर्स हैं उनकी क्विज हो चुकी है। पहले 2 चैप्टर्स तो वैसे भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि उससे क्विज दी जा सके। हम डायरेक्टली चैप्टर नंबर 10 पे जाते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। आप जितने मर्जी पास पेपर याद कर ले और पास पेपर को सॉल्व कर ले, जब तक आप अपने हैंड्स आउट को एक दफ़ा नहीं देखेंगे आप कभी भी ग्रैंड क्विज को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊँगा कि आपने किस किस पॉइंट को देखना है, याद करना है, समझना है, और फिर एंड में मैं ट्रिक बताऊँगा कि आप किस तरह से अपनी इस हैंड्स आउट को यूज़ कर सकते हैं क्विज करने के दौरान टू गेट फुल मार्क्स। तो सबसे पहले हमारे पास लेसन नंबर 10 है रीडिंग वर्ड फॉर्म्स, यानी वर्ड की किस्मों के बारे में पढ़ना। तो इसमें हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो ये है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, छोटा सा 2-3 लाइन का एक जुमला, 2-3 जुमलों का एक पैराग्राफ होगा, और आपसे पूछा जाएगा इसका मेन आइडिया क्या है। तो मेन आइडिया पहले समझ लें क्या होता है। मेन आइडिया का मतलब है आपका जो उनवान, जो मज़मून है उसका मरकज़ी ख्याल क्या है। तो आपने उसको पढ़ने के बाद उसका मरकज़ी ख्याल बताना है। फ़र्ज़ करें अगर आपको एक पैराग्राफ में बताया जा रहा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में, और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक ऑप्शन है, तो आपने ऑब्वियसली उसी पर निशान लगा देना। तो ये सारा का सारा रीडिंग पर्पस काम होता है। इससे चेक किया जाता है कि आपको रीडिंग करनी आती है या नहीं करनी आती है, और मुझे यकीन है कि आप सबको इस लेवल पर रीडिंग करनी आती है। अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, अब ये क्या है कि आपको एक पैसेज दिया जाता है, कंप्रीहेंशन पैसेज दिया जाता है, और आपसे फिर आपको कुछ ट्रू फॉल्स दिए जाते हैं। वैसे ऐसे सवाल तो उसी वक्त आएगा जब सब्जेक्टिव पेपर में आए, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे सवालों के इम्कान भी कम है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पैराग्राफ दिया जाएगा और फिर एक जुमला दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये जुमला उस पैराग्राफ में है या नहीं है। तो ये भी रीडिंग पर्पस बहुत सिंपल काम है, अगर होगा तो आप ट्रू कर दें, नहीं होगा तो आप उसको फॉल्स कर दें। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। अब मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है यहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स में हमें देखना है सिनोनिम्स क्या होते हैं। सिनोनिम का मतलब है सेम नेम्स, यानी सेम मीनिंग। अब एक वर्ड है एरिया, इसके लिए जो आएगा सिनोनिम आएगा वो आएगा फील्ड, रीजन, इलाका। एक्टेड ऑन यानी अमल करना, एग्जीक्यूटेड, डू करना, एकम्पलिश्ड, परफॉर्म्ड, कंपोज्ड ऑफ बना होना किसी चीज़ का, कंसिस्ट ऑफ, प्रिंसिपली ऐसी चीज़ जो ज़रूरी हो, एसेंशियली ठीक है, इम्पॉर्टेंट, कंपल्सरी। अब यहाँ पर है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है उलट वर्ड्स। उलट वर्ड यानी जो उलट वर्ड कह रहा हूँ, ऑपोजिट वर्ड, यानी ऐसा वर्ड जो उसका मुतजाद हो। जैसे एक वर्ड है इग्नोर्ड, तो इसका मुतजाद क्या होगा? डील विद। अब है सेल्डम यानी कभी कभार, तो इसका उल्ट होगा अक्सर, ऑफन, लिटिल छोटा, थोड़ा, यूकनेटिक बड़ा, ज़्यादा, स्मॉल छोटा, बल्कि बड़ा, वीक कमज़ोर, और इसका उल्ट होगा पावरफुल यानी ताकतवर, मजबूत। अच्छा, इसके लिए आपको एक बताता हूँ कि एंटोनिम सिनोनिम ज़रूरी नहीं कि यहाँ से ही आए। आपको कोई भी एंटोनिम या सिनोनिम आ सकता है। आपने सिंपली क्या करना है, उस वर्ड को वहाँ से कॉपी करके, या मैंने आपको एक वीडियो में बताया था VU एक्सटेंशन कॉपी आपके जब यहाँ पर आएगी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रही है VU एक्सटेंशन यहाँ पर, तो कोई भी वर्ड आएगा तो आपने कोई जुमला है एंटोनिम सिनोनिम का, तो आप उसे यहाँ से एक्सटेंशन करके, और एक्सटेंशन करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर अभी एक्सटेंशन चलेगी नहीं, जब आप क्विज ऑन कर रहे होगे तो यहाँ पर एक्सटेंशन आएगी, आपने कॉपी एंड सर्च ऑन गूगल, तो आपने इसको कॉपी करना और गूगल पे सर्च कर देना। गूगल जो है वो आपको पता है कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपको ज़रूर बिल्कुल ठीक बता देगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक आखिर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमने कौन से वर्ड कहाँ पर लगाने हैं। अब देखिए हमारे पास 4 किस्म के वर्ड्स हैं, जैसे परमिट से परमिसिबल, परमिटेड, परमिशन, इसी तरह कंटिन्यू, कंटिन्यूशन, कंटिन्यू, कंटिन्यूसली, और मेजरमेंट, मेजर, मेजर्ड, मेजरेबल, और इसी तरह एसोसिएशन, एसोसिएट और एसोसिएटेड, एफिशिएंसी, एफिशिएंट और एफिशिएंटली। तो ये जो आपके पास 5 एक्सरसाइजेस दी गई हैं, आने वाले चैप्टर्स में भी दी जाएगी आगे, आपने इनको एक दफ़ा दोहरा लेना है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट यही वाला सेंटेंस वहाँ पर भी आ सकता है, और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ दरमियान में कंटिन्यू आएगा, कंटिन्यूटी आएगा, कंटिन्यूसली आएगा या कंटिन्यूशन आएगा। तो आप जब इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस जब तक नहीं करेगी आपको समझ नहीं आएगी। एक दफ़ा आपने इसको देख लेना है। वैसे आपको एक आइडिया ही दे देता हूँ कि अगर आपकी जो लैंग्वेज
प्रोफिशिएंसी अच्छी है तो आप ऑटोमेटिकली वही वर्ड चुनेंगे जो यहाँ पर सूट करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, यूजिंग अ हैंड कैलकुलेटर टू डू सिंपल मैथमेटिक्स इज एन इफिशियंट वे ऑफ वर्किंग। अब देखिए, यहाँ देखे बगैर आप यहाँ बता सकते कि यहाँ इफिशियंसी वर्क वे नहीं हो सकता, इफिशियंटली वे भी नहीं हो सकता, इफिशियंट वे ही हो सकता है। बहरहाल आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है जितनी अच्छी हो सके। अगले चैप्टर पर चलते हैं, लेसन नंबर 11, अंडरस्टैंडिंग रीडिंग। अब इसमें हमने बात करनी है रीडिंग स्किल की, कि रीडिंग जो है वो किसी भी स्टडी में सक्सेस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक पोअर रीडिंग होती है जिसकी वजह से लोग सही तरह पढ़ नहीं सकते और उनको मसाइल होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर असल चीज़ क्या है कि रीडिंग, स्लो रीडिंग की वजह क्या है? तो अगर आपसे पूछ ले स्लो रीडिंग की वजह क्या है, तो स्लो रीडिंग की वजह है वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को पढ़ने से पहले दिल में पढ़ते हैं, या एक दफ़ा मुँह में पढ़ते हैं फिर ऊँचा पढ़ते हैं। तो वो जो मुँह में पढ़ते हैं, दिल में पढ़ते हैं, इसकी वजह से आपकी जो रीडिंग की रफ्तार है वो स्लो हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, इसको भी आप मार्क कर ले। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो है पर्पस और एटीट्यूड और टोन। अब पर्पस क्या होता है कि राइटर ने जो चीज़ लिखी है वो उसका मकसद क्या है। अब अगर राइटर ने एक स्टोरी लिखी है तो उसका एक पर्पस होगा, तो आपने रीडिंग करते वक्त उस पर्पस को जहन में रखना होता है। दूसरी चीज़ है एटीट्यूड, यानी जो राइटर है वो लिखते वक्त किस एटीट्यूड से लिख रहा है, क्या उसका एटीट्यूड है लिखते हुए। तीसरी चीज़ के जो राइटर है उसकी ट्यून क्या है, क्या वो सैड ट्यून में है, क्या वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक ट्यून में है, क्या वो उदास है, क्या वो मायूस है। तो आपने उसी ट्यून को समझते हुए, यानी राइटर की फीलिंग्स को आपने समझना है पढ़ते हुए। तो अगर आपसे पूछ रहे कि राइटर के लिखते वक्त क्या पर्पस होते हैं, तीन पर्पस होते हैं उसके, दो पर्पस होते हैं, एक होता है एटीट्यूड, एक होता है ट्यून। तो ये पर्पस है लिखने के। अब बात करने के मकसद कितने हैं? बात करने के तीन मकसद हैं। पहला मकसद है इन्फॉर्म करना, प्रस्यूट करना, दूसरा और तीसरा मकसद है इंटरटेन करना। तो आपको ऐसे MCQ बना के दे सकता है कि कम्युनिकेशन के कितने पर्पस हैं, तो तीन पर्पस हैं। या वो पूछ सकता है कि इनमें से कम्युनिकेशन का पर्पस कौन सा नहीं है, तो ये तीनों तो हैं, तो चौथा जो होगा वो नहीं है। या फिर ऑल ऑफ देम लेकर आप तीनों पर भी टिक कर सकते हैं। अच्छा, अब है हमारे पास क्वेश्चन एटीट्यूड के हवाले से, कि राइटर का अपने पर्पस के टूवर्ड्स क्या एटीट्यूड है, सब्जेक्ट के टूवर्ड्स उसका क्या एटीट्यूड है, क्या वो लॉजिकल बात कर रहा है, क्या वो गुस्से में है, क्या वो गमगीन है, क्या वो नफ़रत में है, क्या मोहब्बत में है, क्या वो फ़नी है। तो ये चीज़ें होती है एटीट्यूड। अब इससे वो ऑडियंस को अप्रोच कर सकता है, दोस्त बनाकर, दुश्मन बनाकर, एक अपने जैसा जाहिर करके। तो एटीट्यूड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो टोन है वो एक बहुत अच्छा क्ल्यू है ऑथर के एटीट्यूड को जांचने का। अगर आपसे पूछ रहे कि ऑथर के एटीट्यूड को जांचने का सबसे बेहतरीन जरिया क्या है, तो ऑप्शन में अगर ट्यून लिखा हो तो आपने उसी पर क्लिक कर दिया। ट्यून क्या होता है कि ट्यून का मतलब है किसी की बात करते हुए उसकी वॉइस कैसी है, क्या वो विट वॉइस में बात कर रहे हैं, क्या उसका ह्यूमर, सैडनेस है, इंडिग्नेशन है, फ्रेंडलीनेस है, क्या ट्यून है उसकी, इससे आपको उसका एटीट्यूड पता चल जाएगा। तो यही इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी उसने उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रैंड क्विज के हवाले से। जहाँ भी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है मैं आपको रोक कर बता रहा हूँ। आप जितने मर्जी ये पास पेपर्स देख लें, MCQs देख लें, लेकिन जब तक आप अपनी हैंडबुक के साथ, हैंड्स आउट्स के साथ एक दफ़ा गो थ्रू नहीं करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगी। मैं तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कम वक्त में आपको ज़्यादा समझा सकूँ। अगला जो हमारा टॉपिक इसी में है, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी आपने जिसको रीड करना है, रीड करने के बाद आपने उसका मेन आइडिया बताना है। ये पिछले ही चैप्टर की रिविजन है, यहाँ पर मेन आइडिया बताना है आपने। यहाँ पर उसके मेन आइडिया बताने के बाद आपसे पूछा जाएगा क्या ये लाइन इस पैराग्राफ में थी, अगर थी तो ट्रू, नहीं थी तो फॉल्स। अब क्वेश्चंस की किस्में कितनी हैं, और क्वेश्चन जो है उनकी जो तीन इम्पॉर्टेंट किस्में, 4, 5, 6, 7 किस्में यहाँ बताई गई हैं। तो उन 7-8 किस्म को हम देखेंगे। पहली किस्म है मीनिंग, यानी आप किसी सवाल, किसी वर्ड का मीनिंग पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आप वो पूछ सकते हैं। जैसे एग्जीक्यूट का अगर आपको मतलब नहीं पता तो आप उसे पूछ सकते हैं कि भाई एग्जीक्यूट का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कैरी इन टू इफेक्ट। तो आपको मीनिंग उसी वक्त पता चलेगी जब आपको राइटर के एटीट्यूड का पता होगा, आपको उसके टोन का पता होगा, और आपको उस का पता होगा, पर्पस का पता होगा। दूसरे तरह के सवाल जो है वो फैक्ट्स जानने के लिए पूछे जाते हैं। फैक्ट्स यानी हकीकत जानने के लिए, कि मिसाल के तौर पर पढ़ते हुए आप ये अपने आप से पूछ सकते हैं कि आगे क्या होगा, फलाने किरदार ने ऐसा क्यों किया,
ये उसे ऐसा करना चाहिए था, ये फैक्ट्स जानने के लिए आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, फुल लाइंस के दरमियान में आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही होती, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही होती, तो आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस यानी उसमें से आप सवाल पूछ लेते हैं। जैसे एक बंदा जो है वो मेरे लिए टेररिस्ट है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर के मुजाहिद जो है वो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर्स हैं, लेकिन इंडिया उनको टेररिस्ट कहती है। तो अब देखिए डिफरेंट एटीट्यूड से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हमने अपने एटीट्यूड से नहीं देखना, हमने देखना है राइटर के एटीट्यूड से, उसकी ट्यून को हमने चेक करके अपने इस क्वेश्चन को पूछना है। चौथे तरह के क्वेश्चन है मेटाफोरिकल लैंग्वेजेस जो होती हैं, जैसे मेटाफोर क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कहे कि मेरा बेटा चांद जैसा है, मेरी बेटी फूल जैसी है, तो ये फूल ये चांद आपको इनकी समझ नहीं आ रही, तो ये मेटाफोरिक लैंग्वेज है, तो आप इनके बारे में पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पर चांद का मतलब क्या है, यहाँ पर फूल का मतलब क्या है। उर्दू में तो खैर हमारी क्योंकि अपनी लैंग्वेज हम समझ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारी अपनी ज़ुबान नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं मेटाफोरिक लैंग्वेज वाले। स्टाइल, जस्ट एज पीपल आर इंडिविजुअल एंड डिफरेंट सो द वे द राइट वेरीज। अब क्योंकि राइटर जो है वो हर राइटर डिफरेंट होता है, इसलिए हर राइटर डिफरेंट तरीके से लिखता है, इसलिए आपने उसके स्टाइल को भी समझना है कि वो किस स्टाइल से लिख रहा है, और उस स्टाइल के मुताबिक आप उससे सवाल भी पूछ सकते हैं। छठा, समरी जानने के लिए भी आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि आप बस उससे सरसरी सी समरी आप ले लें, या ओपिनियंस जानने के लिए आप सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आपने एक बुक पढ़ी होम्योपैथी के बारे में, तो आप बताएं कि आपको होम्योपैथी कैसी लगी, तो आप बताएं कि आपको होम्योपैथी कैसी कैसी लगी। अब लिस्टिंग क्या होता है, लिस्टिंग आपने नंबर देने होते हैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को 1, 2, 3 की फॉर्म में, 1, 2, 3 फर्स्टली सेकेंडली थर्डली जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इन सब तरीक़ों से आप दे सकते हैं। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट एज असेंडिंग ऑर्डर 42 करें कि आप अनदर नेक्स्ट देन फर्दर मोर आफ्टर मोर मोर ओवर इन तमाम वर्ड से लिस्टिंग दे सकते हैं। यहाँ पर आपको उसने एक पैराग्राफ दिया है, फिर आपको एक्सरसाइज दी गई है, मेन आइडिया बताना है, आपने यहाँ पर लाइनें छोड़ दी और पूछा कि यहाँ पर क्या वर्ड आएगी, ऐसे एमसीक्यूज भी आपको आ सकते हैं। फिर है मेकिंग इंटरफेरेंसेस, यानी इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी लाइन्स के दरमियान में से बीच बीच में से पढ़ना और इंटरफेरेंस निकालते रहना। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, उसको हल करेंगे तो फिर हमें समझ आएगी। जैसे लिखा हुआ है अ हाई स्कूल हैज़ पुलिसमैन वॉकिंग अप एंड डाउन इट्स मेन हॉल। एक हाई स्कूल में जो पुलिसमैन है वो ऊपर और नीचे मेन हॉल की तरफ जा रहे हैं, तो आपको क्या इससे आपके जिम में क्या आएगा, तो हमारे जिम में आएगा कि पुलिसमैन जो है वो सिक्योरिटी कर रहा है स्कूल की। अब अ डॉग श्रिंक्स और क्रिंजेस व्हेन यू ट्राई टू पैट हिम। अब एक डॉग है, जब भी आप उसको थपकी देते हैं तो वो कांपता है, क्रिंज करता है, इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे हो सकता है ये वजह हो कि किसी आदमी ने उसको तंग किया हो, मारा हो, ठीक है, तो इसलिए वो अब दूसरे लोगों से भी डर रहा है। तो इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि आपका जहन यहाँ पर आपने यूज़ करना होता है, कि एक मेंटल एक्सरसाइज है। अब अगर आप इस पिक्चर में देखें तो जो ओल्ड वुमेन है वो किसी चीज़ के बारे में बोल रही है। अब वो औरत यहाँ पर स्मोक है, क्या ये औरत स्मोकिंग के बारे में बोल रही है, क्या ये औरत जो है वो यहाँ पर कोई पेंटिंग है उसके बारे में बोल रही है जहाँ पर नो साइन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से ये तीनों चीज़ें इंटरफेयर कर सकते हैं कि शायद इसको स्मोकिंग पसंद नहीं आ रही, किसी को बता रही है, या फिर उसको दिखा रही है यहाँ पर कोई बोर्ड लगा हुआ है इसमें लिखा हुआ स्मोकिंग नहीं करनी, तो इस तरह होता है इंटरफेरेंस। इसी तरह यहाँ पर इस पिक्चर को देखें तो ये एक आदमी टीवी देख रहा है, यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है, तो हम इंटरफेयर कर सकते हैं कि टीवी की वजह से ये जो बच्चा है ये डिस्टर्ब हो रहा है, इसका होमवर्क कम्प्लीट नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इंटरफेयर कर सकते हैं। तो इंटरफेरेंस कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती है, बहुत सी एक्सरसाइज दी गई है, आपने इन चीज़ों को देखना है, और काफ़ी आसान होती है इंटरफेरेंस करना, आपने यहाँ पर अपना ब्रेन इस्तेमाल करना होता है, और इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ मुश्किल चीज़ नहीं है। अब है असेसिंग द टेक्स्ट, यानी आपका जो टेक्स्ट है आपने उसे असेस करना है, दो तरीक़ों से असेस किया जा सकता है। अब जो भी सेंटेंस होगा उसमें एक होगा फैक्ट, फैक्ट यानी ऐसी चीज़ जिसे आप प्रूफ कर सकते हो, ये पक्का एमसीक्यू है, लिख ले, फैक्ट यानी ऐसा स्टेटमेंट जो आप प्रूफ कर सकते हैं एविडेंस के साथ, यानी फॉर एग्जांपल एक आप कहें कि वो फलाना बंदा जो है वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, तो आप इस चीज़ को फिर प्रूफ भी कर सकते हैं क्योंकि एक फैक्ट है। तो ओपिनियन आप दें कि ओपिनियन में ये हो कि यार मुझे वो बंदा अच्छा नहीं लगता, अब ये अच्छा नहीं लगता कि आपका ओपिनियन है, ये एक फैक्ट नहीं है, आप इसे प्रूफ नहीं कर सकते, हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगता मुझे अच्छा लगता हो,
लेकिन फैक्ट इज फैक्ट। यानी अगर आप कहें कि लाइट चली गई है तो इसको हम चेक कर सकते हैं, हाँ लाइट चली गई है, ये ओपिनियन नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि लाइट का निज़ाम अच्छा नहीं है तो ये एक ओपिनियन है। हो सकता है मेरे नज़दीक लाइट का निज़ाम अच्छा हो, तो यानी डिफरेंस ये होगा कि फैक्ट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम ऑब्जेक्टिवली प्रूव कर सकते हैं, जबकि जो ओपिनियन है वो एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम ऑब्जेक्टिवली प्रूव नहीं कर सकते ट्रू या फॉल्स की सूरत में। कुछ वर्ड्स होते हैं वैल्यू वर्ड्स। अब वैल्यू वर्ड्स को हम ओपिनियन ही समझेंगे, क्योंकि अगर मैं किसी को कहूँ ब्यूटीफुल तो ये एक ओपिनियन है। अगर मैं किसी को कहूँ, और वैल्यू वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ग्रेट, गुड, बेस्ट, बेटर, वर्स, या जितने भी यहाँ पर वैल्यू वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इनको भी याद रखना है। ऐप से पूछा जा सकता है कि इनमें से वैल्यू वर्ड्स कौन सा है। तो वैल्यू वर्ड्स अगर दिए गए हो तो हम उसको ओपिनियन ही समझेंगे, अगर वैल्यू वर्ड्स नहीं है तो फिर वो एक फैक्ट होगा, और फैक्ट जो है वो उसको हम प्रूव कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ सीक्वेंसेस की। सीक्वेंस क्या होता है जिसमें टाइम के बारे में बात हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लफ्ज़ बिफोर, यानी ऐसा वक्त जो पिछला गुजर गया है उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं, अर्लियर, अगो, सो, प्रीवियर, प्रीवियस, ये सारे वर्ड्स हैं। इसी तरह अगर बात करें आफ्टर की तो उसके लिए भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप इनको भी देख लेना है। और अगर बात करें ओवरऑल टाइम रिलेटिव्स की, नाउ के लिए, नेक्स्ट के लिए, या जो गुजर चुका है बिफोर के लिए, तो बहुत सारे आपको वर्ड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर एक पैराग्राफ दिया गया हुआ है और उसको आपने हल करना है। असेसिंग टेक्स्ट फिर आगे आ रहा है, इसमें हमने बात करनी है करेक्टर्स की, यानी राइटिंग में जिन लोगों का जिक्र किया गया है वो हमारे करेक्टर्स हैं, जो कोई एक्शन कर रहे हैं, जो कोई बात बोल रहे हैं, जिनके बारे में कोई बात बोली जा रही है, जो किसी चीज़ से एसोसिएशन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, वो लोग होते हैं करेक्टर्स। अब सबसे पहले बात करते हैं एक्शन की। एक्शन ये होता है कि राइटर जो है वो अपने लफ्ज़ों के ज़रिए कोई काम शो कर देता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा ये काम कर रहा है, तो वो एक्शन में आएगा। जैसे मिस्टर, माई सिस्टर हैड अ ट्रेंचर्ड वे ऑफ कटिंग ओवर ब्रेड एंड बटर फॉर अस दैट नेवर वेरिड। अब ये जो बात यहाँ बताई जा रही है ये कटिंग के बारे में है, तो ये एक एक्शन स्टेटमेंट है। इस तरह बात करें स्पीच की, यानी आप किसी के बारे में बताएं कि फलाने बंदे ने ये कहा, आप उसको कोट कर दें, जैसे जेविस आई सेड डू यू नो डैट, बट अब ऐसा लग रहा है कि जेविस ने ये कहा कि डू यू नो बट, अब आगे नो सर, इसका मतलब ये कि जेविस कह रहा है कि नो सर। तो अब यहाँ पर ये स्पीच है, यानी स्पीच जिसमें किसी बात का जिक्र किया जा रहा है। अब कुछ होती है डायरेक्ट स्टेटमेंट्स, इसमें जो बंदा है वो खुद नहीं बोलता बल्कि कोई उसकी बात को के बारे में बोलता है, ये होती है डायरेक्ट स्पीच। इसके बाद है कंपैरिजन्स एंड एसोसिएशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन करना और एसोसिएट करना। कंपैरिजन में हम दो लोगों में फ़र्क करते हैं और एसोसिएशन में हम दो लोगों को आपस में मिलाते हैं, यानी दो लोगों में जो खूबियां हैं वो हम एसोसिएट कर लेंगे और उनमें जो हामियां हैं वो उसको हम कहेंगे कंपैरिजन कर लेंगे, या जो अलग अलग चीज़ें हैं वो कंपैरिजन है। तो इसको भी आपने एक दफ़ा देख लेना है, और बहुत ही सिंपल होता है ये, आपको बता दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल रेड फ्रॉक, फ्रॉक और रेड रोज़, तो रेड कलर जो है वो इनमें एसोसिएट हो गया, और कंपैरिजन क्या हुआ कि जो एक फ्रॉक है एक रोज़ है, तो ये कंपैरिजन है क्योंकि वो दोनों चीज़ें सेम नहीं है। तो एसोसिएशन के लिए या कंपैरिजन के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टेंस, डैट इज सच एज, लाइक वगैरह, तो ये अभी आपने एक दफ़ा देख लेने हैं। अगला हमारा जो लेसन नंबर 15 है वो है इंटरप्रेटिंग विजुअल डाटा। अब आपको जो डाटा दिया गया है विजुअल, आपने उसको इंटरप्रेट करना है ग्राफ की शक्ल में, टेबल की शक्ल में, कुछ शक्लों में। पहली शक्ल जो है वो है टेबल की शक्ल में। इसमें क्या होता है कि आपने जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो टेबल्स की शक्ल में दे देनी है, जैसे स्कूल वगैरह में अटेंडेंस शीट्स होती हैं टेबल्स की फॉर्म में। अब टेबल लिखते हुए सबसे पहले आपने टाइटल जो है वो उसका होना चाहिए टेबल का, और हमेशा आपने एक फुट नोट बनाना है आखिर में, एंड में टेबल के एक फुट नोट ज़रूर बनाना है। इसके अलावा टेबल जो है वो उसमें इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो रिलायबल होनी चाहिए। फिर आपने हर कॉलम को भी हेडिंग देनी है, हर कॉलम को भी हेडिंग देनी है। फिर आपने नंबर्स देने हैं वहाँ पर, आपने उनकी परसेंटेजेस देनी है, डेट्स वगैरह सब कुछ लिखना है आपने, और आखिर में आपने फिगर्स को एक दफ़ा केयरफुली रीड कर लेना है ताकि एक्यूरेसी कायम रहे। अब यहाँ पर उसने एक टेबल दिया है और आपसे कुछ सवाल पूछे हैं, टेबल को देखकर इन सवालों के जवाब दें, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ग्राफ क्या होते हैं, एक और तरीका इन्फॉर्मेशन को शो करने का। ग्राफ एक्चुअली इन्फॉर्मेशन दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक चीज़ को हम वर्टिकल एक्सिस पे ले आते हैं, एक्स एक्सिस पे, एक को हम हॉरिजेंटल एक्सिस पे ले आते हैं वाई एक्सिस पे, जैसे आपको यहाँ पर ग्राफ नज़र आ रहे हैं। इसके बाद ये भी ग्राफ की किस्म है,
और इस ग्राफ को हम कहते हैं बार ग्राफ, जिसमें एक लाइन ग्राफ बनाया जाता है दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। ओके, इसके बाद हम चलेंगे आगे और मेकिंग कंपैरिजंस करने के तरीके। पहला है फॉर्मेशन। कुछ तरीके हैं कंपैरिजन करने के दो लोगों के दरमियान। तो अब पहला तरीका है एडजेक्टिव की मदद से कंपैरिजन करना। एक चीज़ नई है, एक उससे भी नई है, एक सबसे नई है, तो हमने कंपैरिजन कर दिया। किस तरह से कि कंपैरेटिव फॉर्म जो है एडजेक्टिव की, उसके आखिर में हमने ER लगा दिया, और जो सुपरलेटिव है उसके आखिर में EST लगा दिया। और ये रूल क्यों लगा? क्योंकि इनका सिलेबल एक है। अगर आप इसको पढ़ें तो एक ही आवाज़ में पढ़ा जाएगा, न्यू, ओल्ड, बिग। तो इनको कंपैरिजन के लिए हम ER और EST लगा देंगे। एक और चीज़ याद रखनी आपने कि जो भी सुपरलेटिव फॉर्म है उससे पहले दी लगाना ज़रूरी होता है, यानी दी न्यूएस्ट, दी ओल्डेस्ट। लेकिन यहाँ पर देखें तो आपको दो तीन या तीन ज़रा सिलेबल नज़र आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग, तीन, कन्वीनियंट, तीन, ब्यूटीफुल, ब्यू एक, टी दो, फुल तीन। तो ये जितने भी है, अब इनके लिए हम ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते। हम लगाएंगे मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोर कन्वीनियंट, मोस्ट कन्वीनियंट। अब अगर दो सेलेबल वाली चीज़ हो गई, जैसे हैप्पी, फनी, अर्ली, फ्रेंडली, और उनके आखिर में अगर वाई और वाई एल भी आ रहा हो, तो हमने क्या करना होता है, वाई को हटाकर IERIST इस फार्मूले के तहत हमने यूज़ करना है। यहाँ से भी काफ़ी MCQs आपको आने वाले हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझे कि अगर आखिर में LY आ जाए, तो इसको आपने समझ लेना है कि ये एक एडजेक्टिव नहीं है बल्कि एक एडवर्ब है, लेकिन रूल वही सेम होगा इसके लिए भी। अब अगर दो सेलेबल वाला हो लेकिन आखिर में वाई ना आ रहा हो, तो केयरफुल, तो मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, तो फिर यहाँ पर हम उसी रूल को अप्लाई करेंगे। कॉमन, मोर कॉमन भी हो सकता है, कॉमनर भी हो सकता है, तो इनके लिए दोनों तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब कुछ ऐसे इररेगुलर कंपैरिजंस होते हैं, यहाँ से आपको पूछा जा सकते हैं, जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट, फार, ये आपने याद कर लेना है, फर्दर, फर्देस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, बैडली, वर्स, वर्स्ट, फार, फर्दर, फर्देस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। ओके, इसके बाद है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस क्या होता है? एज, यानी बिल्कुल वैसा, जैसा, लाइक, ईदर, सेम वगैरह। तो ऐसे वर्ड्स अगर यूज़ हो जाए तो इसका मतलब यहाँ पर सिमिलैरिटी शो की जा रही है। इसके बाद हमारे पास है सुपर नॉन इक्विवेलेंस। अगर आपने एक बराबरी शो नहीं करनी, तो आपने इस्तेमाल करना है मोर देन, यानी उससे ज़्यादा है, फ्यूअर देन, उससे कम है, लेस देन, नॉट एज मच एज, नॉट लाइक, अनलाइक, नॉट एट ऑल, तो ऐसे वर्ड्स आपने यूज़ करने। सुपरलेटिव फॉर्म क्या होती है? आपने एक वर्ड के साथ EST, या अगर डबल सिलेबल वाला वर्ड है तो उससे पहले मोर, मोस्ट लगा देना होता है, दीज रूल लगाना है आपको सुपरलेटिव फॉर्म से पहले, जैसे यहाँ लगा हुआ है दी, फास्ट, टेस्ट। ओके, तो इसके बाद अगले चैप्टर पर हम चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी वो हमने तकरीबन उसको समझ लिया। अगला चैप्टर है एवेल्यूएटिंग टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट है आपने उसको एवेल्यूएट करना है। अब एवेल्यूएट कैसे करना है? एवेल्यूएट करने का मकसद ये होता है कि आप आसानी से पढ़ सके अपने कॉन्टेंट को। तो आपको यहाँ पांच स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट्स को आपने देख लेना है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स, कि ये स्टेटमेंट किस तरह का है। जैसे अगर मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, दिस प्लेस इज इन नीड ऑफ सम कॉस्टली रेनोवेशन एंड आई एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड टू गेट अराउंड टू देम एनी डे नाउ। इस ज़मीन जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पर बहुत सा काम करने वाला है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिसकी ये जो ये मालिक है वो यहाँ इतने दिन काम ज़रूर करवाएगा। तो यहाँ पर वो बंदा जो है वो काफ़ी मुस्बत ख्याल कर रहा है, तो ये ऑप्टिमिस्टिक है। तो पांच तरह के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक है ऑप्टिमिस्टिक, ये तो मैंने आपको समझा दिया। एक होता है बिटर, यानी कड़वा, ऐसी बात जो बहुत कड़वी हो, जो बिल्कुल बुरी बात हो, आप उसे कहते हैं ये बिटर है, आप उसको इस तरह से एवेल्यूएट करेंगे बिटर के तौर पर। जैसे इफ़ ओनली आई हैड अ डिसेंट जॉब आई वुडेंट बी रिड्यूस टू लिविंग इन दिस रैम शकल डम्प, यानी वो अपनी ज़िंदगी को क्या कर रहे हैं, रैम शकल डम्प कह रहे हैं, ये बिटर बात। अब है टॉलरेंट। टॉलरेंट ये होता है बर्दाश्त कर लेना, यानी अगर मेरे हमसाए अच्छे नहीं हैं लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं, तो ये टॉलरेंट है। अब एक जुमला है सेंटीमेंटल। अब सेंटीमेंटल क्या होता है? दिस मे बी अ शैबी रन डाउन लुकिंग हाउस बट सिंस आई लिव हियर इन माई चाइल्डहुड इट हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। अब एक चीज़ बेशक बुरी है लेकिन आपके दिल में वो अच्छी है, यानी सेंटीमेंटल है। अच्छा, ओके, यानी पांचवी चीज़ है ह्यूमरस। ह्यूमरस ये होता है कि आपके दिल में कोई रहम आ जाए और
When I leave this joint, I plan to empty rubbish bins of all the neighboring flats into it. यानी ऐसा काम जो दूसरों के लिए अच्छा हो, यानी जब कह रहे हैं मैं जब ये जगह छोड़ूंगा तो मैं बाकी सब लोगों के घरों को भी साफ करके जाऊंगा, उनके भी क्लियर करके जाऊंगा। अब यहाँ पर आयरनी के बारे में क्वेश्चन आ सकेगा आपको। अब आयरनी क्या होता है, ये एक कॉमनली यूज टोन है जिससे लोग फेमिलियर नहीं होते, ठीक है। अब आयरनी इन्वॉल्व्स डिस्क्रिपेंसी, मीनिंग दैट समथिंग डजंट क्वाइट फिट, यानी ऐसी चीज़ जो फिट ना हो रही हो, आपको समझ ना आ रही हो, आप उसे फेमिलियर ना हो। ये दो तरह की है, एक है सिचुएशनल आयरनी, जब कोई सिचुएशन हो रही हो और उस वक्त डिस्क्रिपेंसी वकू हो तो उसको हम कहेंगे सिचुएशनल आयरनी। फॉर एग्जांपल, देर इज़ अ हाउस ऑन फायर एंड यू एक्सपेक्ट द फायर फाइटर टू एम अ वाटर एट द फायर, बट इंस्टेड ही एम्स अ पेट्रोल पाइप हॉस, यानी आपके घर के पास आग लग गई है तो आप पानी के बजाय पेट्रोल लाने का सोचें, तो ये एक सिचुएशनल आयरनिकल है क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आ गई है। अब वर्बल आयरनी ये होती है कि आप कहना कुछ और चाहिए आपको, लेकिन क्या है आप कुछ और देते हैं। यानी एक चीज़ फॉर एग्जांपल, मैच के दौरान बारिश हो जाए और आप कहते हो ज़बरदस्त बड़ा अच्छा हो गया, तो ये भी एक डिस्क्रिपेंसी शो हो रही है वर्बली, ठीक है। तो और कुछ एग्जांपल्स यहाँ दी गई है। अब यहाँ पर है आर्ग्यूमेंट ये होता है कि आपका जो पॉइंट है, आपकी जो बात है, आप उसको साबित करते हैं किसी एविडेंस के साथ, लॉजिकल प्रूफ के साथ, और इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। कई लोग बैड आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, यानी गलत सबूत देते हैं, जिद कर लेते हैं अपनी बात बनवाने के लिए। ओके, इसके बाद हम चले गए टाइप ऑफ फैलेसीज में। अब फैलेसीज क्या होती है कि डेट इग्नोर द इशू, यू विल फाइंड दैट द राइटर मे चेंज द सब्जेक्ट। अब जब इशू को इग्नोर कर दिया जाए तो इसमें क्योंकि फैलेसीज, यानी आपने इशू को जागर तो किया लेकिन आपने उसको जाहिर जो है वो आगे छुपा दिया किसी और वजह पर जाकर, ठीक है। ओके, इसके बाद हम चले गए फैलेसीज की तीन किस्मों को समझते हैं। पहले चेंजिंग द सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट ही चेंज कर दे, सर्कुलर रीजनिंग और या पर्सनल अटैक भी है। अब एक तो आप सब्जेक्ट ही चेंज कर दे, जैसे नेशनल असेंबली में कोई बात कर रहे हो आप किसी और बात पर चले जाए। सर्कुलर रीजनिंग ये होती है कि सपोर्टिंग रीजन सेम हो जैसे कि कंक्लूजन है, ठीक है, तो ये होता है सर्कुलर रीजनिंग। तीसरा जो चीज़ है वो है पर्सनल अटैक, यानी जब कोई पॉलिटिकल डिबेट हो रही होती है तो हम डिबेट करते वक्त बात करने के छोड़ देते हैं और बंदे पर चढ़ाई कर देते हैं, ये होता है पर्सनल अटैक करना। ये भी एक फैलेसी की किस्म है। इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें हैं जो आपने याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इस सब चीज़ों को आपने एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर कर लेना है। 17 चैप्टर है क्लॉज फॉर कंप्रीहेंशन। ओके, तो क्लॉज का मतलब क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और उसमें कुछ वर्ड्स डिलीटेड है, तो आपने ख़ुद वो वर्ड्स फिल करने होते हैं, तो प्रेडिक्ट करने होते हैं आपने कि यहाँ पर क्या चीज़ आएगी। तो ये एक मेंटल टास्क होता है एक्चुअली, और इससे आपकी जो लैंग्वेज है वो भी इन्हिसार करती है, उसके साथ साथ आपका मेंटल कॉग्निटिव टास्क भी है ये। तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है जिनको आपने खुद हल करना है, यानी यहाँ पर एमसीक्यू में क्या आएगा, बिल्कुल उसको सॉल्व भी करके दिया हुआ है उन्होंने, तो आप एक दफ़ा एक कम से कम एक एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व कर लें ताकि आप अपनी आइडिया को देख सकें। स्किमिंग एंड स्कैनिंग, तो स्किमिंग क्या होती है और स्कैनिंग क्या होती है, इन दोनों चीज़ों को हम समझ लेते हैं। पहले तो उसने मेन आइडिया को इस चैप्टर में डिस्कस किया है, जिसको हमने चैप्टर नंबर 11 में देखा था, और इन्फॉर्मेशन को लोकेट करना, कम्प्लीटली स्टडी करना, ये होती है। और यहाँ पर कुछ आपको सिनोनिम्स दिए गए हैं, एंटोनिम्स दिए गए हैं, जैसे रिप्रेजेंटेड, एक्सप्रेस्ड, इरेजेस, वाइप्स आउट, कैरिड आउट, एग्जीक्यूटेड, बिफोर यानी पहले, प्रीसीडिंग, वेरी मच बहुत ज़्यादा, कंसिडरेबली। अब है एंटोनिम्स, लेटर यानी बाद में, फॉर्मर पहले, डिसअलाउ तो परमिट, अननेसेसरी ज़रूरी नहीं है, रिक्वायर्ड ज़रूरी है, गो थ्रू, बाईपास, इमेजिनरी, रियल। तो इसमें आपने फिर आपको सेम चैप्टर नंबर 11 को ही इसमें रिपीट कर दिया है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो दो नए वर्ड्स आपने सीखे वो था स्कैनिंग और स्किमिंग। अब स्कैनिंग क्या होती है कि आपने पूरे पूरे वर्ड के एक चीज़ को आपने याद करना होता है, जो कि स्कैनिंग और स्किमिंग। फिर स्कैनिंग है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपको, अपने मेन आइडिया बताना है, ट्रू फॉल्स बताने हैं आपने, और आपने यहाँ पर मजीद। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस,
यहाँ पर जो वर्ड है इट, वो पूछेगा आपसे इट, आपने जुमला देखा पीछे और आपसे ऐसे लाइनिंग आपसे पूछेगा यहाँ पर इट का मतलब क्या है। तो फर्ज करें पीछे कब की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली इट कब ही है। अब वेयर, अगर पीछे लाहौर की बात हो रही है तो यानी लाहौर की बात हो रही है, तो आपने पिछले सेंटेंसेस को अगले सेंटेंसेस से मिला लें। अब यहाँ और सिनोनिम्स हैं, सेड यानी मेंशनड, ऑन यानी रिस्पेक्टिव, प्रोग्रेस, एडवांसेस, कीपिंग, रिटेनिंग, एप्रोप्रिएट, सूटेबल। और इसके अलावा एंटोनिम्स हैं नाइदर नॉर आइदर और बाईपास, पास थ्रो, इंक्रीज, रिड्यूस यानी बढ़ाना, कम करना, प्रोड्यूस ना करना, करना इस्तेमाल ना करना और कंज्यूम करना। अब ये सब चीज़ें पढ़ाने का मकसद ये आपको कि पास पेपर भी आप देख लें, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 100% तो पास पेपर से नहीं आएगा, 30% आएगा, 40% आएगा, फिर 60% क्या करेंगे। अब फाइनल टर्म में, क्योंकि वहाँ आपने फाइनल टर्म में जाकर पेपर देने हैं, यहाँ पर आपको इतना अच्छा मौका मिला हुआ है और आप इस मौके को ज़ाया कर दें, तो फिर क्या किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर उसी चीज़ को दोबारा रिपीट किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आ रही है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है। एक है क्लासिफिकेशन, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। अब किसी भी जुमले में एक होती है वजह और एक होता है वजह से होने वाला एक असर यानी एक अफेक्ट। कुछ कंप्यूटर कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा आपको और फिर आपको समझ आएगी कि असल में अफेक्ट क्या होता है और कॉज क्या होती है। तो लेट सपोज के यहाँ पर दिया हुआ है एक जुमला, उसको समझ लेते हैं, फिर हमें मज़ीद क्लियर होगा कि क्या इसमें अफेक्ट है और क्या इसमें कॉज है। चलिए नीचे चले गए तो हमें काफ़ी एग्जांपल्स मिलेगी ऑब्वियसली। तो सॉल्विंग प्रॉब्लम इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेप्स, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम टू शो द सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेप्स, कॉज एंड अफेक्ट रिजल्ट। ये रहा हमारे पास एग्जांपल। इफ द प्रोग्रामर इज यूजिंग अ टर्मिनल इंस्टेड ऑफ कार्ड टू इंटर हिज इंस्ट्रक्शन, ही कैन विद एन एड ऑफ फ्यू कमांड्स स्टोर द प्रोग्राम इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर एंड प्रिंट आउट। ये इसमें कॉज है, यानी अगर बंदा ऐसा करेगा तो उसका रिजल्ट ये आएगा, जो रिजल्ट है वो उसका अफेक्ट है। तो एक है आपका करना और एक है उसका रिजल्ट। तो करना होता है कॉज और जिसका रिजल्ट आता है वो होता है अफेक्ट। अब क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि आप किसी भी जुमले को किसी सेपरेट करते डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, कि आप जो है वो बता दें कि जुमला क्या, उसमें जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं उन सबको आप अलग कर दें, आप बता दें उसकी क्लासिफिकेशन को कि ये कॉज इसमें क्या है, इसमें अफेक्ट क्या है, और तमाम चीज़ें जितनी भी उसमें हैं इंक्लूडिंग दी आर्टिकल, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं वो आपको आने चाहिए। मैं आपको वो बता देता हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच की सरसरी सी टॉपिक्स बता दूँगा आपको, 22 चैप्टर में वो हमें मिलेगी। फिर रीडिंग पैराग्राफ है, फ्लो चार्टिंग में क्या होता है कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको फ्लो चार्ट की मदद से करना होता है। फ्लो चार्ट में आपने जो काम करना है, तो आपने स्टार्ट का बटन जरूर लेकर आना है, एक आपने एंड का बटन जरूर, स्टॉप का बटन लेकर आना होता है, स्टार्ट और स्टॉप का और दरमियान में आपने सारे ऑप्शंस ले लेने हैं। अब फॉर एग्जांपल कहीं पर आपने प्रिडिक्शन की हुई है, तो उस प्रिडिक्शन को आपने डायमंड शेप से सिंबल से शो करना होता है। और अगर आपने एक चीज़ प्रोसेस में हो रहा है जिसकी प्रिडिक्शन की ज़रूरत नहीं है, जो प्रोसेस है उसको आपने रेक्टेंगुलर शेप में बनाना है। अब अगर आपने डायमंड शेप में एक बनाया प्रिडिक्शन, तो उसके बाद आप येस और नो का ऑप्शन भी ज़रूर बनाएंगे कि अगर प्रिडिक्शन हुई तो फिर क्या होगा, अगर ना हुई तो फिर क्या करेंगे आप। तो ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक दफ़ा देख लें। फिर ये मेन आइडिया कुछ दिए गए हैं और सेम वही चीज़ें रिपीट हो रही है यहाँ पर भी, तो आप यहाँ से अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, फिर एक्सरसाइजेज हैं कुछ यहाँ पर। अब यहाँ पर फ्लो चार्ट की एग्जाम्पल दीजिए, देखिए स्टार्ट है, स्टॉप है, ये रेक्टेंगुलर शेप दी गई है, ये प्रोसेसेस है, ये डायमंड शेप दी गई है, ये एक प्रेडिक्शन है। यहाँ पर दो ऑप्शंस बनाए गए, एक यस में और एक नो में। ओके, इसके बाद फिर कॉज एंड इफेक्ट है जिसको हमने देख लिया। अब ये जो प्रेडिक्शन है ये तीन तरह की हो सकती है, यानी प्रेडिक्शन का मतलब है ऐसा स्टेटमेंट जो हो सकता है कि आगे मुमकिन हो, कंडीशन लगाई गई है कि शायद ये हो जाए हमें लगता है। तो प्रेडिक्शंस तीन तरह की होती है, क्योंकि सर्टेनली 100% लगता है कि ज़रूर होगा, तो उसके लिए आप ऐसे वर्ड यूज़ करें कि विल, सर्टेन, श्योर, विदाउट अ डाउट, विदाउट अ क्वेश्चन, 100%। दूसरी तो होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में 75-90% चांसेस होते हैं, यानी मुमकिन है। प्रोबेबल या प्रोबेबिली का मतलब 75%, लाई का मतलब 75%, और ये जो बाकी चीज़ें अगर इनके साथ मोस्ट और हाई लग जाए तो 90% चांसेस हो जाते हैं। पॉसिबल का मतलब है हो सकता है, तो ये मे और मे नॉट, हो सकता है, हो नहीं भी सकता, तो ये 50% में आता है। अब होता है इम्प्रोबेबिलिटी, हो ही नहीं सकता, तो ये 25-10% के दरमियान आता है।
इम्कानात और इम्पॉसिबिलिटी के नामुमकिन है तो 0% ऑप्शन में आएगा आपको, तो ये परसेंटेजेस भी आपको आ सकती है। इसके बाद हमारा 22वां चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये ज़रूर सुनिएगा और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसमें क्या है एक्चुअली कि सेंटेंस की हमने टाइप को पढ़ना है, हमने तीन चीज़ें पढ़नी है इसमें, रूल्स ऑफ ग्रामर, सिंटेक्स, रिटोरिक एंड कंपोजिशन। अब ग्रामर सिंटेक्स क्या है, इसमें हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो टोटल 8 है। सबसे पहले बात करेंगे नाउन की, जो किसी भी चीज़ का नाम होता है नाउन, वर्ब होता है एक्शन, प्रोनाउन होता है ऐसे लफ्ज़ जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, जैसे अरसलान एक नाउन है तो इसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे ही, शी, इट, दे वगैरह। अब इस तरह एडजेक्टिव है ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन के मानों में इजाफा करे, जैसे बॉय नाउन है तो गुड बॉय एडजेक्टिव है गुड। एडवर्ब क्या होता है जो वर्ब के मानों में इजाफा करे, जैसे ड्राइव करना वर्ब है तो फास्ट ड्राइव करना एडवर्ब है। प्रेपोजिशन होता है इन ऑन, जो आपकी किसी पोजीशन को ज़ाहिर करे किसी चीज़ की, जैसे द पेन इज ऑन द टेबल, तो ऑन इन वगैरह ये प्रेपोजिशन है। और देखिएगा कि प्रेपोजिशन वाले एमसीक्यू ज़रूर आएगी और आपने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आकर ये बताना है। कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं दो जुमलों को मिलाने के लिए, जैसे एंड, बट, बिकॉज वर्ड्स यूज होते हैं कंजंक्शन। इंटरजेक्शन होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं कि आप किसी फीलिंग को ज़ाहिर करना हो कि हुर्रा, अलास, हुर्रा भी विन द मैच, तो ये होते हैं इंटरजेक्शंस। तो अब हम इसके अलावा चार मज़ीद इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है कि एक वर्ब और एक एडजेक्टिव जब मिलता है तो पार्टिसिपल बन जाता है, जब एक नाउन और एक वर्ब मिलता है तो जीरण बन जाता है, जब टू के साथ वर्ब मिले तो इन्फिनेटिव बन जाएगा। और रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, ये होते हैं रियोटोरिक्स। अब यहाँ पर ये जो वर्ड वेन है, अगर आप जुमले को देखें, आई वॉज रिवील्ड रिलीव्ड वेन द प्रोग्राम एंडेड, तो यहाँ जो वेन है ये वर्ब को भी शो कर रहा है, एडवर्ब को भी, एडवर्ब के तौर पर भी काम कर रहा है क्योंकि ये वर्ब के मानों में इजाफा कर रहा है, और दूसरा ये कंजक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि दो जुमलों को आपस में मिला रहे हैं। तो ऐसा चीज़ जो दोनों चीज़ों पर, दोनों चीज़ों के तौर पर काम करें, उसको हम कहेंगे रिलेटिव एडवर्ब। इसके अलावा एक और चीज़ जो राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है वो है रिटोरिक, यानी पुटिंग टुगेदर होल, राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ होल, वर्ड्स को सेंटेंस की फॉर्म में लिखना, सेंटेंस को पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना, पैराग्राफ को लॉन्गर यूनिट्स की फॉर्म में लिखना, ये जो चीज़ है ये है रिटोरिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्किल्स के लिए। तो राइटिंग के दो टूल्स हैं इंपॉर्टेंट, एक है ग्रामर, सिंटैक्स, यूज़ेस, पंक्चुएशन, दूसरा है वोकैबुलरी, कन्वेंशंस ऑफ यूज़। ओके, हम चलते हैं सिंपल सेंटेंस और उसकी बाकी टाइप्स। सिंपल सेंटेंस होते हैं ऐसे सेंटेंस जो लंबे हों या छोटे हों, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट हो और वर्ब कम्बिनेशन हो, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। अब इसके अलावा हमारे पास आएंगे कुछ जॉइनिंग वर्ड्स यहाँ बताए गए हैं जो एज अ कंजक्शन यूज होते हैं। ओके, इसके बाद एक कंपाउंड सेंटेंस जिनमें दो सब्जेक्ट्स भी यूज़ हो सकते हैं और दो वर्ब्स भी यूज़ हो सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पर तो कुछ एक्सरसाइज हैं उनको ही देख रहा हूँ मैं, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये ऐसे सेंटेंस हैं जो एक कंपाउंड सेंटेंस से बने होते हैं और एक इनमें, यानी दो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, तो ऐसे सेंटेंसेज होते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेज। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 10 से 22 का सफ़र, जो हमने तकरीबन 39 मिनट्स में सॉल्व किया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो थी, अगर आपने इसको सही ध्यान से देखा है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके 30 out of 30 marks आएंगे। बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।